पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार देश और देश की राजनीति पर हम आपके सामने विभिन्न तरह की बातें और जो कुछ भी घटित हो रहा है वो रख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बिहार से सटे हुए पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर के भी हमने आपको खबरें बताई हैं। आपको बता दें कि इस खबरों के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, और ये बड़ी खबर है कि अचानक से इस झंझावात के बीच, जहां एक तरफ ये कहा जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, इस बीच में आपको बता दें कि जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है और उसको लेकर के ममता बनर्जी ने एक दिन पहले ही जो बयान दिया था वो काफ़ी विस्फोटक था, जिसको लेकर के कई तरह की बातें चल रही हैं। यहाँ तक कि पटना में तो उनके ऊपर इस बात को लेकर के कि अगर बंगाल जलेगा तो कई राज्य जलेंगे, जिसमें बिहार का भी नाम था, उस पर केस भी हो गया है। इन सारी चीज़ों को लेकर के कोलकाता कांड पर चौतरफा आलोचना का सामना कर रही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अचानक से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमित शाह को बधाई देती हुई दिखी, और इसके साथ साथ अब एक चर्चा जबरदस्त ढंग से छिड़ गई है। ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री को बधाई दी, और इस बधाई के बाद उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशन यूनियन होम मिनिस्टर। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी बधाई वाली पोस्ट में लिखा है कि गृह मंत्री जी काफ़ी शक्तिशाली हैं, और उसके साथ साथ शक्तिशाली तो उनका बेटा भी हो रहा है। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के ये बधाई इसलिए दिया गया है कि ममता बनर्जी ने अमित शाह के जो इकलौते बेटे हैं जैसा, उनको राजनीति से तो दूर रखा लेकिन बाकी जगहों पर उनके लिए रास्ता बना दिया है। आपको बता दें कि इस सारी बातों को रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह के लिए उनकी पत्नी सोनल शाह ने वोट मांगे थे, पर डोर टू डोर जनसंपर्क के लिए गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में घूमी थी। 2019 में बने थे बीसीसीआई के सचिव जैसा, और अब 31 साल की उम्र जब थी उनकी, उसके बाद वो अब आईसीसी के सबसे कम उम्र में प्रेसिडेंट बन गए हैं। जब जय साहब बीसीसीआई के सचिव बने थे तब पश्चिम बंगाल से आने वाली टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली बीसीसीआई के प्रमुख थे। अमित शाह के बेटे जय शाह के दो बेटियां हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ दोनों बेटियां कई बार देखी गई हैं। अमित शाह को छोड़कर अभी तक उनके परिवार में किसी ने भी राजनीतिक कदम नहीं रखा है, लेकिन जय शाह बतौर आईसीसी चेयरमैन 1 दिसंबर से कार्यभार संभालेंगे। यह क्रिकेट जगत की सर्वोच्च संस्था आईसीसी के चौथे चेयरमैन होंगे। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से ममता बनर्जी ने अपनी बात रखी है, ट्वीट किया है, उसके बाद से चर्चाओं का दौर जारी है। ममता बनर्जी ने इस बेहद अप्रत्याशित पोस्ट में लिखा है कि बधाई हो केंद्रीय गृह मंत्री जी, आपका बेटा राजनेता नहीं बना है बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बन गया है, एक ऐसा पद जो अधिकांश राजनेताओं के पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जैसा अभी तब बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, आज उन्हें आईसीसी का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया है। योर सन हैज नॉट बिकम ए पॉलिटिशियन बट हैज बिकम द आईसीसी चेयरमैन, ए पोस्ट मच मच मोर इम्पॉर्टेंट देन मोस्ट पॉलिटिशियंस। योर सन हैज इंडीड बिकम वेरी वेरी पावरफुल। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन हिज दिस मोस्ट एलिवेटेड अचीवमेंट इंडीड। अब इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने एक बड़ा, कहा जाए तो दो तरह से इसको देखा जा सकता है, एक तो उन्होंने एक स्टेप बढ़ाया है अमित शाह के तरफ, और दूसरी तरफ इसे तंज के रूप में भी देखा जा सकता है। देखना होगा कि इसके बाद क्या प्रतिक्रिया आती है, लेकिन ममता बनर्जी के इस ट्वीट ने सोशल मीडिया से लेकर के राजनीतिक गलियारे में चर्चा जरूर छेड़ दिया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।